हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में लोगों का बचाव करने के लिए लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पूरी राहत दी जा रही है। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों का सहारा लिया गया। बावजूद इसके रविवार को करीब 70 मजदूर हिसार से चलकर झज्जर पहुंचे। झज्जर के पूर्व पालिका चेयरमैन ईश्वर शर्मा को किसी ने इन मजदूरों के भूखे होने की जानकारी दी तो उन लोगों ने इनके खाने का प्रबंध किया और जिला प्रशासन को इनकी जानकारी दी। जिला प्रशासन ने इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इन लोगों की स्क्रीनिंग करके झज्जर में ठहराया जाएगा और इनके जाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। आ रहे हैं अभी जो है हिसार से। अच्छा, हिसार बरपर से। अच्छा, पैदल हो गया हम लोग को तीन रोज हो गया। अच्छा, अच्छा। झज्जर पहुंचे हुए हैं। रास्ते में किसी ने कहीं पे रोका नहीं? नहीं नहीं रोका नहीं है। अच्छा, वहाँ जो है रोहतक रुके थे तो वहाँ थाना गया हम लोग सब ठोक मिल करके। वहाँ थाना वाला बोला कि आप सबको कोई साधन नहीं है, यहाँ से निकलो। डांटा मार के हम लोग को निकाल दिया वहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पहुँचे हो तो ईश्वर? हाँ, तो बोला था आगे निकलो तो वहाँ से हम लोग निकल गए। झज्जर में आप पहुँचे हो तो खाना वाना यहाँ? हाँ, खाना भी बनाया यहाँ पर मिला हम लोग को। आप बहुत अच्छा से खाया, बहुत खुश है।